जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक डिजाइनर ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस है ना, जैसे कपड़ा कम है आपके पास, दो कपड़े हैं, दो फैब्रिक हैं, या घेर की चौड़ाई कम पड़ रही है, तो उसके लिए मैं डिजाइन आपको डालना सिखा रही हूँ। किस तरीके से डिजाइन डाल करके भी आप ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ड्रेस हमने बना रहे हैं ना, 5 नंबर के ठाकुर जी की है। ये वेलवेट ली है मैंने, एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट है, सीक्वेंस की कढ़ाई से कड़ी हुई है, और ये साथ में मैंने टिश्यू का फैब्रिक भी लिया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। 5 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है, इसकी चौड़ाई हम 4 इंची से 4.25 इंची तक रखेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने 2.5 इंची चौड़ी एक पट्टी वेलवेट की कट कर लिया है, साथ ही हमने ये टिश्यू का फैब्रिक लिया है, ये इसको भी हमने ऑर्गेंजा टिश्यू है, इसको भी हमने कट कर लिया। 4.5 इंची चौड़ाई इसकी रखी है हमने, और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लिया ताकि इसकी क्रीज बनी रहे, और साथ ही हमने इसके लिए अस्तर भी कट कर लिया। अस्तर हमने सिर्फ वेलवेट के फैब्रिक के लिए ही कट किया है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको जो वेलवेट का फैब्रिक है ना, इसको अस्तर के साथ पहले हम अटैच कर लेते हैं। ये हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद ये जो टिश्यू की पट्टी हमने इसको फोल्ड करके रखी है, इसको नीचे रखेंगे और ये वेलवेट को ऊपर रख के ये सिलाई लगा करके इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए हाफ घेर हमारा टिश्यू का हो गया और हाफ घेर हमारा वेलवेट को हो गया। अब क्या करना है, हमने ये लेस ली है, इस लेस को हम इसके ऊपर रख के और सिलाई कर देंगे। लेस लगाने के बाद अब इसमें हम ये प्लेट, सॉरी दोनों साइड में हम टिश्यू टेप से इसे लॉक कर लेते हैं, यहां से और यहां से। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स देखिए किस तरीके से, वही 1.5 इंची के करीब हमें फैब्रिक उठाना है। उठाने के बाद इस तरीके से इसे रखना है, फिर दूसरा और 1.5 इंची उठाना है हमें, और इस तरीके से रखना है। तो ये प्लेट्स डाल लेते हैं हम। ये जो प्लेट्स हम डालेंगे ना, ये लगभग 5.5 से 6 इंची के दायरे में हम डालेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की कमर लगभग 5 इंची रहती है, 5 नंबर के ठाकुर जी की कमर। तो हम थोड़ा सा लूजिंग देके 5.5 इंची तक ये प्लेट्स डालें। ये देखिए ये हमारा घेर बन गया, इसको नाप लेते हैं इसकी कमर को। देखिए लगभग 5.5 इंच से 4.5 इंच के अंदर हमारी कमर आ रही है। अब इसमें उल्टी तरफ से प्रेस लगा करके थोड़ी प्लेट्स को हम सेट कर देते हैं। प्रेस लगाने के बाद देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा घेर बन गया है। अब इसकी चोली भी बना लेते हैं। चोली के लिए देखिए हमने 2.5 इंची चौड़ा फैब्रिक लिया है, वेलवेट का ही फैब्रिक लिया है, साइड की पट्टी थी उसको निकाल लिया है हमने, और 11.5 इंची हमने ये लंबा लिया है, साथ ही अस्तर भी कट कर लिया है। सबसे पहले इसे अस्तर पे इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से सिल करके इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे और साथ ही यहाँ पर टिश्यू टेप लगा लेंगे। दूसरी साइड ये लेस हम यहाँ से टक कर लेंगे यहाँ तक।
पीस लगाने के बाद इसको दो पीस में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद देखिए ये मोती लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्लाइम आएगा इसको, इससे स्वीप टूटने का खतरा रहता है, इसलिए इनको हम पहले किनारे से निकाल देंगे। अब देखिए ये दोनों को ऐसे ओवरलैप करके रखेंगे और यहाँ लगभग 1.5-2 इंची तक हम सिलाई लगा देंगे। इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद में यहाँ से 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे, ये लगभग 1.5 इंची पर ये निशान लगाया और यहाँ 1.5 इंची तक ऊपर तक लगाया और यहाँ से ये हमने आस्तीन का निशान लगा दिया। यहाँ हम सिलाई कर लेते हैं और जितना हमने यहाँ रखा है उतना ही यहाँ पर रख करके यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और कॉर्नर में हल्का सा कट लगाएंगे, ऐसे ही इसी साइड भी कर लेते हैं। अब इसको पलट देते हैं। चूली हमारी बन करके देखिए तैयार हो गई है। अब इसको घेर के साथ हम अटैच कर देते हैं। ये देखिए हमारी चोली अटैच हो गई। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक टिच बटन लगा लेना है या फिर एक डोरी लेकर के डोरी बांध लेनी है। और ये चोली हमारी देखिए आगे से भी पहनाने में बहुत अच्छी लगेगी और इस तरीके से हम पीछे से भी इसे पहना सकते हैं। तो इसमें हम एक डोरी लगा लेते हैं बांधने के लिए। ये डोरी ली है हमने, इस डोरी को हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं सुई धागे की मदद से या मशीन की मदद से। इसके ऊपर हम एक बूटी जैसी कोई रख लेंगे ताकि ये यहाँ से जब पहनाए तो खराब ना लगे। और इस तरीके इसे यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर हम पहना करके इसे ऐसे बांध देंगे, इस तरीके से इसे बांध देंगे। तो देखिए लग रही है ना खूबसूरत पोशाक। चलिए अब इसकी फटाफट एक पगड़ी और बना देते हैं। पगड़ी के लिए हमने ये देखिए 1 इंची चौड़ी और ये 5.5 इंची लंबी हमने स्ट्रिप कट की है। ये बुकरम की स्ट्रिप है और ये कार्डबोर्ड की स्ट्रिप है। कार्डबोर्ड की स्ट्रिप को इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करने के बाद में ये 1/4 इंची यहाँ से लेकर के कर्व देंगे, हल्की सी गोलाई कट करके ये हम इसे कर्व दे देंगे और इसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसको भी हम शेप दे देंगे और शेप देने के बाद ये येलो कलर की सैटन ली है इसमें हम रैप कर देंगे इसे। ये हम ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं आपको। ये ज्वेलरी मेरे को ठाकुर जी की किसी ने बना करके दी है, बहुत ही दिल से बनाई है, बहुत ही प्रेम से बनाई है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये देखिए हमारी पूरी पोशाक बन गई है, ये हमारी ड्रेस बन गई और ये हमारे ठाकुर जी की पगड़ी बन गई। देखिए बहुत ही प्यारी सी लग रही है पगड़ी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।